हेलो एवरीवन, चोपे वन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा की रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के कुछ पिक्चर्स हैं वो ओल्ड लीक हो चुके हैं। उसमें हमें बेहतर तरीके से पता चल रहा है कि नई ब्रेजा में हमें यही फीचर कंपनी प्रोवाइड करवाने वाली है, और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के इंजन स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं। आप लोगों को पहले काफी सारी वीडियो में देख के ये तो पता है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा में हमें 360 डिग्री कैमरा मिलेगा, 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिलेगा। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा का जब भी नया कोई और अपडेट आएगा, कोई नई फीचर्स आएगी, सबसे पहले यूट्यूब पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसा कि मैंने ब्लेनो में किया था। ब्लेनो की पूरी सीरीज मैंने अपने चैनल पे निकाली थी कि जब जब कौन कौन से नए अपडेट है वो ब्लेनो की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे, उसी प्रकार से ब्रेजा के अंदर भी होने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जिस दिन भी ये गाड़ी लॉन्च होगी उससे पहले बैकग्राउंड रिव्यू इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। 16 इंची के डुअल टोन कलर्स वाले अलॉय व्हील मिलेंगे, शार्किन मिलने वाला, साथ ही हमको एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलने वाले। ये तो आपने ऑलरेडी नेक्स्ट जनरेशन की जो लीक पिक्चर्स थी उनमें देख चुके हैं, लेकिन साथ ही नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के इंजन स्पेसिफिकेशन भी लीक हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा में मारुति आपको कौन सा इंजन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात कर लें तो मारुति टोटल ये वाली गाड़ी आपको 7 वेरिएंट्स के अंदर प्रोवाइड करवाने वाली है। 4 आपके मैनुअल ट्रांसमिशन के रहेंगे जबकि 3 आपके ऑटोमेटिक की। सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन के वेरिएंट की बात करें तो बेस मॉडल आपका रहेगा LXi, उसके बाद में VXi, उसके बाद में ZXi और टॉप एंड आपका रहेगा ZXi+। अगेन इसी प्रकार से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो मारुति आपको VXi मॉडल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड करवाने लग जाएगी, उसके बाद में ZXi और टॉप एंड आपका रहेगा ZXi+। तो इस प्रकार से ये हो गए टोटल आपके 7 वेरिएंट्स। इन 7 वेरिएंट्स के अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा है वो देखने को मिलेगी। और अब बात करें इसके लीक इंजन स्पेसिफिकेशन के, तो इसके अंदर मारुति आपको 1.5 लीटर का K15B सीरीज 1462 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोवाइड करवाने वाली है, जो काफी ज्यादा माइलेज आपको निकाल के देने वाला है। अगर इसके पावर फिगर की बात करें तो ये इंजन आपको 103 bhp की पावर निकाल के देगा 6000 rpm पर, और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देगा 4400 rpm, जो इतना ज्यादा तो नहीं है लेकिन इस प्रकार की गाड़ी के लिए सफिशियंट है। आपको ज्यादा माइलेज इंजन निकाल के देगा। अगर माइलेज की बात करें तो ये आपको 17.03 kmpl की इंजन माइलेज निकाल के देने वाला है। और साथ ही इस गाड़ी की टॉप स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी आपको 160 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करवा के देगी अगर आप इसको इजिली ड्राइव करेंगे। साथ ही इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो मारुति इसके अंदर आपको नई ब्रेजा में 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी प्रोवाइड करवाने वाली है। अगर आप इस गाड़ी के टैंक को एक बार फुल करवा लोगे तो ये गाड़ी आपको 817 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करवा के देगी, जो काफी ज्यादा है क्योंकि मारुति गाड़ियां माइलेज के लिए तो भैया जानी जाती हैं। और अब इस गाड़ी के सेफ्टी की बात करें तो पुरानी वाली ब्रेजा ऑलरेडी 4-स्टार रेटेड कार है। अभी कुछ ही दिन पहले अर्बन क्रूजर की भी क्रैश टेस्ट रेटिंग आई थी, जो है तो ब्रेजा ही, बस टोयोटा है उसको थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह करके और अपना लोगो लगा के अपने शोरूम्स के अंदर हमें बेच देती है। तो वो गाड़ी भी काफी अच्छी स्टार है वो लेके आई थी। तो नो डाउट इसमें किसी प्रकार का शक वो नहीं किया जा सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा भी आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर मिलने वाली है। साथ ही ये भी सुनने को मिल रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर आपको ZXi और ZXi+ में कंपनी आपको 6 एयरबैग प्रोवाइड करवाने वाली है। लीक प्रोसेस के दौरान अभी इतना कंफर्म वो नहीं हो पाया, लेकिन आपको नो डाउट नई ब्रेजा का इंटीरियर है वो आपको फ्रेश मिलेगा। पुरानी के अंदर आपको थोड़ा आउटडेटेड लगता था, आपको 9 इंच का स्मार्ट प्ले प्रो स्टूडियो सिस्टम मिलेगा। साथ ही रूमर्स तो ये भी फैल रहा है कि हमें वेंटिलेटेड सीट है वो ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मारुति इस प्रकार का कुछ भी करने वाली है, क्योंकि मारुति पैडल शिफ्टर आपको दे दिए, 360 डिग्री कैमरा दे दिया, और भैया शार्क फिन एंटीना आपने मारुति ने ब्रेजा के अंदर दे दिया, तो और क्या मारुति की जान लोगे। मारुति वेंटिलेटेड सीट आपको नहीं देने वाली है। अब इसके कलर ऑप्शन की बात करें तो कलर्स भी है वो नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा के लीक हो चुके हैं। टोटल आपको 6 कलर्स के अंदर मारुति ये गाड़ी अवेलेबल करवाने वाली है। पहला आपका रहेगा टॉर्क ब्लू, जो कोई नहीं खरीदता है। दूसरा आपका रहता है ग्रेनाइट ग्रे, जो डीलरशिप आपको ये दलील दे के बेच देते हैं ये वाला कलर कि अभी आपको बुकिंग है और ज्यादा बढ़ जाएगी। पर्ल आर्टिक व्हाइट कलर अगर आप लेना चाह रहे हो तो आप ग्रे भी ले लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा कलर है। थर्ड आपका रहता है ओंटूमन ऑरेंज, जिससे मुश्किल से 100 ब्रेजा ही हमने इंडियन मार्केट के अंदर देखी होगी, क्योंकि ऑरेंज कलर इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से ना ही तो अच्छा है ना ही इंडियन वेयर को अच्छा लगता है। फोर्थ नंबर पे आपका सिजलिंग रेड आता है, जो आपको मेट्रो सिटीज के अंदर जो यंगस्टर है वो काफी ज्यादा खरीदते हैं। फाइव नंबर आपका रहता है प्रीमियम सिल्वर, अगेन ये कलर भी मारुति वाले ये कहे कि आपको बेच देते हैं कि सर व्हाइट कलर की तो वेटिंग बहुत ज्यादा है, आप सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर हमारे स्टॉक में है। बायर ये सोचता है कि 6 महीने की वेटिंग से तो अच्छा है सिल्वर कलर ले ही लेते हैं, दिखता तो थोड़ा व्हाइट जैसा ही है। एंड जो लास्ट कलर मारुति आपको प्रोवाइड करवाती है वो पर्ल आर्टिक व्हाइट कलर है,
जो इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियों के अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर आपको एक बात और बताऊं तो पर्ल आर्टिक व्हाइट कलर इन सभी कलर्स के अंदर से सबसे ज्यादा महंगा कलर है। अगर आप इसकी डेंट पेंट भी निकलवाओगे तो ये सबसे ज्यादा आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि इसकी कोटिंग है वो 3 से 4 होती है। इसी के साथ मारुति आपको 3 डुअल टोन कलर्स के अंदर भी नेक्स्ट जनरेशन ब्रेज है वो प्रोवाइड करवाने वाली है। एक ही पिक्चर्स तो आप टीवी शूट के दौरान देख ही चुके हैं, जो आपको सिजलिंग रेड विथ मिडनाइट ब्लैक रूफ के साथ में मिलने वाला है। आपका रहेगा टॉर्क ब्लू विथ मिडनाइट ब्लैक रूफ, जबकि सेकंड आपका रहेगा ग्रेनाइट ग्रे विथ ऑटोमन ऑरेंज रूफ। अब बात करें नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा की लुक्स की, जो काफी लोगों को पसंद नहीं आई। पीछे से तो काफी लोगों को ये गाड़ी पसंद आ रही थी, क्योंकि ये गाड़ी सस्ती रेंज रोवर इवोक जैसी लग रही है, साइड से देखने से भी और पीछे से देखने से भी। आगे से इतनी ज्यादा ये रेंज रोवर इवोक को कॉपी नहीं करती है, आगे से ये गाड़ी काफी ज्यादा अग्रेसिव है। और अगर इस गाड़ी के लुक्स की बात करें तो मारुति पहली बार अपनी इस गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा लुक्स के अंदर अग्रेसिव हुई है, वरना मारुति का ये रहता है कि वो अपनी गाड़ी के अंदर कहीं पे भी इतने शार्प एजेज है वो नहीं देते हैं, और गाड़ी का लुक है वो इतना ज्यादा अग्रेसिव है वो नहीं रहता है। एक आपको सटल एरिया के अंदर आपको लुक है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जो सभी को पसंद आता है। एल्टो कितनी भी आप क्रिटिसाइज कर लीजिए कि वो बिल्ड क्वालिटी के अंदर खराब है, लेकिन लुक के अंदर उससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है। आप अगर इंडिया में किसी से भी पूछोगे तो आपको एक ठीक ठाक सा लुक है वो एल्टो के अंदर मिल जाता है। इसी प्रकार से मारुति की स्ट्रेटजी रही है कि वो इस प्रकार की अपनी गाड़ियों के अंदर लुक प्रोवाइड करवाती है जो सभी को पसंद आए। वरना आप कुछ कंपनियों की गाड़ियों को देखोगे, गाड़ियां काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन वो लुक्स के अंदर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। होंडा WR भी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन लोग उसको लुक की वजह से नहीं खरीद रहे। और मारुति को ये अच्छे से पता है कि इंडियन बायर है वो सेफ्टी के साथ, माइलेज के साथ साथ, रीसेल वैल्यू के साथ साथ लुक को सबसे पहले देखते हैं। नई वाली ब्रेजा की जो साइड प्रोफाइल है वो कई लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि इसकी जो व्हील आर्च ग्लाइडिंग वो काफी बड़ी बड़ी दे दी, तो लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है वो नहीं आई। साथ ही अगर इसके रियर लुक की बात करें तो जो आपको ब्लैक पार्ट मिलता है वो भी लोगों को इतना पसंद है वो नहीं आ रही है। तो इस गाड़ी की मारुति 8,99,000 रुपए से लेकर 12,99,000 रुपए के बीच में प्राइस है वो रखने वाली है। ना इससे ज्यादा ना इससे कम प्राइस है वो मारुति रखने का प्रयास है वो नहीं करेगी, क्योंकि अगर इससे ज्यादा और प्राइस रख देगी तो ये गाड़ी ओवर प्राइस्ड हो जाएगी, और इसे कम रखने पे मारुति को नुकसान हो जाएगा इस महंगाई के जमाने में। तो एक्सपेक्टेड प्राइस आपकी इतनी रहने वाली है, 8,99,000 रुपए से लेकर 12,99,000 रुपए। अब लास्ट में बात करते हैं इस गाड़ी के लॉन्च डेट की। तो अभी तक मारुति ने कंफर्मली नहीं बताया कि इस पर्टिकुलर डेट को हम लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन एक्सपेक्ट आप लगाया जा सकता है कि महीने भर के अंदर अंदर ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। मे बी नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो जब इंडियन मार्केट के अंदर आएगी उससे एक दो दिन पहले ही मारुति इस गाड़ी को लॉन्च करने वाली है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा का जब भी नया कोई और अपडेट आएगा, कोई नई फीचर्स आएगी, सबसे पहले यूट्यूब पे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसा कि मैंने ब्लेनो में किया था। ब्लेनो की पूरी सीरीज मैंने अपने चैनल पे निकाली थी कि जब जब कौन कौन से नए अपडेट है वो ब्लेनो की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आए थे, उसी प्रकार से ब्रेजा के अंदर भी होने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जिस दिन भी ये गाड़ी लॉन्च होगी उससे पहले बैकग्राउंड रिव्यू इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हैं, या उसकी ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं अपनी लोकल सिटी के अंदर, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर या फिर उसी कमेंट के अंदर मैं आपका सवाल का जवाब जरूर दूंगा। सो इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।